हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीयूसर फिजिक्स। टुडे वी आर स्टार्ट चैप्टर नंबर 6 इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अभी तक हमने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हमने स्टडी किया, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में भी स्टडी किया, और स्टैंडर्ड 11th में ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में भी स्टडी किया। ओके, तो मैग्नेटिक मीन्स के जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स कौन लगाती है? हमारी अर्थ लगाती है, क्योंकि अर्थ के पास मास अवेलेबल है। तो सभी मास जिस पे भी मास एलिमेंट अवेलेबल है, उस पे वो क्या करेगी? फोर्स लगाएगी और अट्रैक्ट करेगी। ठीक है, वो स्पेस में ही वो अट्रैक्ट करके अपनी तरफ वो खींच लेती है। ठीक है, देन आफ्टर वैसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे हमने स्टडी किया, एक पॉजिटिव और दूसरा भी पॉजिटिव है, तो इन दोनों रिपल्शन फोर्स लगती है और दोनों एक दूसरे पर एक एक्ट लगाती है, मीन्स के एक फोर्स लगाती है। वैसे ही हमने एक मैग्नेटिक फोर्स के बारे में स्टडी किया कि भाई कोई भी एक मूविंग चार्ज पार्टिकल हो, कोई भी एक मीन्स के कोई स्पेस में मूविंग चार्ज पार्टिकल हो, उस पर वो फोर्स लगाती है। तो सभी फोर्स अपनी अराउंड क्या प्रोड्यूस कर देता है, सभी जो एलिमेंट हमने अभी स्टडी किए ग्रेविटेशनल फोर्स, तो अपने अराउंड मिस करके ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस कर देगा। देन आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में हमने स्टडी किया था कि भाई कोई भी चार्ज पार्टिकल होती है, वो अपने अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड एक मिस एक रीजन वो बना देती है। वैसे ही एक मूविंग चार्ज पार्टिकल्स के अराउंड एक रीजन बनती है, इट इज़ नॉन एज अ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स हमने देखा था कि भाई मूविंग चार्ज पार्टिकल या तो करंट। ठीक है, करंट को भी क्या बोल सकते हैं, अमाउंट ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स फ्लो इन द पर्टिकुलर टाइम इट इज नोन एज अ करंट। ठीक है, ओके, तो करंट को भी हम क्या मान सकते हैं, इट इज द सोर्स ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड, और मूविंग चार्ज पार्टिकल्स को भी क्या मान सकते हैं, इट इज द सोर्स ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, और देन आप हमने ऐसा भी स्टडी किया, एक दो थिंग हमने ऐसी स्टडी की कि भाई जो यूनिवर्सल है, एक यूनिवर्सल एक फंडामेंटल एक बेसिक लॉ है, वो कैसा लॉ है कि भाई हमारी नेचर में जो भी कोई चीज वस्तु है, कोई भी आप चीज वस्तु देखिए, ठीक है, वो सभी चीज वस्तु अपने एक लो एनर्जी लेवल पे रहना चाहती है। ठीक है, कहाँ पे रहना चाहती है? लो एनर्जी लेवल पे। ठीक है, कोई भी आपकी जो ऑब्जेक्ट हो, सभी ऑब्जेक्ट एक लो एनर्जी पर लेवल पे रहना चाहती है। देन आपने दूसरा थिंग आपको क्या स्टडी करना, इनर्शा के बारे में। इनर्शा क्या कहती है कि भाई हमारे जो नेचर में कोई भी जो कंडीशन है, वो कंडीशन को आप उसको चेंज नहीं कर पाते हो, बिना फोर्स से आप उसको चेंज नहीं कर पाते हो। जैसे कि हमारे पास कोई एलिमेंट अवेलेबल है एक स्टडी स्टेट में, तो वो स्टडी स्टेट में ही रहेगा जब तक आप उस पर फोर्स नहीं लगाएंगे। और कोई एलिमेंट मीन्स के मोशन में है, जैसे कि हमारी अर्थ भी एक मोशन में है। ठीक है, आप वहाँ पे मीन्स के कोई एक फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक वो एक मोशन में ही रहेगी। ऐसा सभी एलिमेंट के पास क्या होती है, इनर्शा होती है। ये दो मीन्स के यूनिवर्सल के एक बेसिक फंडामेंटल लॉ के बारे में भी हम जानते हैं। ठीक है, कि भाई एवरीथिंग इज अ बिहेव लाइक इज द लो एनर्जी लेवल्स, वो कहाँ पे रहना चाहती है, एक लो एनर्जी लेवल पे रहना चाहती है। और देन आफ्टर दूसरा हमने क्या स्टडी किया, दूसरा हमने ये स्टडी किया कि इनर्शा के बारे में, कोई भी चीज वस्तु पे हम बिना फोर्स लगाए वो अपनी कंडीशन को चेंज नहीं करती है। ठीक है, वो अपनी कंडीशन को चेंज नहीं करती है, जब आप फोर्स लगाएंगे तब भी वो अपनी कंडीशन को चेंज कर पाएगी। ठीक है, ओके, इन दोनों मिस्कार लॉ के बारे में आप जानते हो। देन आप हमको ये भी मालूम है कि भाई हमारे पास सपोज के कोई एक कॉइल अवेलेबल है, इस कॉइल में से हम इलेक्ट्रिक करंट को पास आउट करवाएंगे तो उसकी अराउंड कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं प्रोड्यूस होने वाली, बट कौन सी फील्ड प्रोड्यूस होने वाली, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने वाली। ठीक है, हमारे पास कोई एक सर्कुलर रिंग अवेलेबल है, सर्क्यूलर हम कंडक्टर बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें हम इलेक्ट्रिक करंट को पास आउट करवाएंगे तो इसमें से कम मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। ओके, देन आप देखिए कि भाई अभी आपको मैं क्या समझाना चाहता हूँ कि भाई मेरे पास ऐसी कोई एक कॉइल अवेलेबल है, ठीक है, बट इस कॉइल पे कोई मैग्नेटिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं है, इसके इनसाइड जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन अभी एक स्टेडी कंडीशन पे है, तो स्टेडी कंडीशन पे है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज नहीं हो रहा, मीन्स के इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं हो रहा, तो यहाँ पे चार्ज का फ्लो नहीं हो रहा तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड नहीं प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि यहाँ पे करंट क्या होगा, करंट जीरो होगा, क्योंकि मूविंग चार्ज पार्टिकल जीरो है, इसलिए आई इज इक्वल टू भी जीरो आएगा। अगर आई इज इक्वल टू जीरो आया तो मैग्नेटिक फील्ड भी वो नहीं बना पाएगा। ठीक है, अगर इसमें से करंट का फ्लो होगा तब भी वो मैग्नेटिक फील्ड बना पाता है। ओके, तो ऐसे हमने यहाँ पे कॉइल रखी और देन आफ्टर हमने क्या किया, एक दूसरी तरफ से मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट किया, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड को हमने क्रिएट किया और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे लिंक हुई। ओके, तो पहले यहाँ पे भाई मैग्नेटिक फील्ड था, यहाँ पे पहले मैग्नेटिक फील्ड नहीं था, देन आप क्या हुआ कि भाई ए डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन आई, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी कमीज के आपके पास कोई भी एक दूसरी मैग्नेट अवेलेबल है, वो मैग्नेट क्या करती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस कर लेती है। आपने मैग्नेट को उसकी तरफ आप लाए तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ पे आई, तो वो क्या करेगी, भाई हमारे नेचर का लॉ क्या था, इनर्शा का लॉ क्या कहती है कि भाई पहले मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी तो अभी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होनी चाहिए, बट यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आई तो वो क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करेगा,
क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करेगा, वो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। यहाँ से कि बी मैग्नेटिक फील्ड लाइन आई तो उसने बी नेगेटिव बना दिया, तो पहले भी कितनी थी जीरो, ध्यान आप भी कितनी हो गए जीरो, ए सिस्टम की टोटल मैग्नेटिक फील्ड लाइन कितनी हो गई जीरो, बिकॉज बी माइनस बी इज इक्वल टू जीरो, ओके। और दूसरी तरफ से आप समझिए, मैंने पहला आपको क्या एग्जाम्पल दिया कि पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं थी, ध्यान आप दूसरा आप समझिए, उसका मैं उल्टा मैं करता हूँ कि भाई ये जो हमारे पास करंट कैरिंग कॉइल अवेलेबल है इसमें से इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऐसे हो रहा है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में बन रही है, चल है मैग्नेटिक फील्ड लाइन ए वाली डायरेक्शन में बन रही है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन ने हमने नाम दे दिया कि भाई माइनस बी, और कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाती है माइनस बी बनाती है, कहना पर क्या हुआ कि भाई यहाँ से मैग्नेट को लेके आए, यहाँ से मैग्नेट को लेके आए उसके, वो एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस करता है, दिस मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज अ बी, ये कितनी बनाती है माइनस बी, और ये कितनी लेके आया प्लस बी, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड लाइन कितनी हो गई जीरो। बट यहाँ पे टोटल मैग्नेटिक फील्ड लाइन जीरो नहीं होने वाली है, क्यों नहीं होने वाली, क्योंकि पहले उसके पास क्या था, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बी नेगेटिव बी लाइन अवेलेबल थी, हम जैसे ही मैग्नेट को इस तरफ लेके आते और पॉजिटिव बी की लेके हम आए तो और नेगेटिव बी बना देगा, पहले तो उसके पास नेगेटिव बी था पर और ज़्यादा मैग्नेटिक बी बनाने के लिए उसने क्या किया कि भाई उसके इनसाइड जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं उसकी स्पीड उसने ज़्यादा कर दिया, उसकी स्पीड उसने ज़्यादा कर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड की बी की इंटेंसिटी भी उसने क्या कर दिया ज़्यादा, तो टोटल रिजल्ट इन अभी भी क्या फाइंड आउट हुआ माइनस बी, क्योंकि पहले यहाँ पे बी था अभी भी बी होना चाहिए। पहली वाली केस में क्या थी, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं है तो अभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं होना चाहिए, ऐसा हमारे नेचर का रूल्स है। तो मिस के भाई नेचर को क्या पसंद है, मैग्नेटिक फील्ड पहले नहीं था वो पसंद है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन था उस पर वो रिलेटेड है, भाई नेचर हमारा मिस के एक इनर्शिया के मिस के पहले कौन सी कंडीशन पे था उस पर वो डिपेंडेंट है, अगर पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड बाद में भी नहीं होनी चाहिए, और पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइन है तो बाद में भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन होनी चाहिए, वो क्या करेगा उसका अपोज करेगा, ठीक है। अगर नहीं है, अगर आप उस पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन का इफेक्ट लाते हो तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का इफेक्ट से वो अपोज करेगा, अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन है और आप जीरो करना चाहते हो तो आप जीरो करने वाले एलिमेंट के साथ वो अपोज करेगा और अपनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन को बना के रखेगा, ठीक है, ओके। ऐसा नेचर का एक रूल्स होता है, ओके। दूसरा हमको ये समझना है कि भाई ये जो कॉइल पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं थी और हम मैग्नेट से ऐसे लेके आए, एक मैग्नेट हम लेके आए, ठीक है, और मैग्नेट का नॉर्थ पोल यहाँ पे, तो नॉर्थ पोल क्या करेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस करेगा, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ पे लिंक हुई वो क्या करेगा, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का अपोज करेगा, उसको ए वाली डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनानी है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे बनाएगा कि भाई एक कंडक्टर अवेलेबल है, उसके इनसाइड एक मूविंग चार्ज पार्टिकल्स मीन्स के एक इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, वो इलेक्ट्रॉन को ऐसे घुमाएगा कि भाई उसकी अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो होगा, और करंट का फ्लो की डायरेक्शन से एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन वो अपोजिट डायरेक्शन में बना लेती है, ठीक है। तो उसके इनसाइड एक मूविंग चार्ज पार्टिकल का फ्लो होता है, और मूविंग चार्ज पार्टिकल ही चार्ज मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स है, ठीक है। बट यहाँ पे हमको मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी बनानी है, अपोजिट डायरेक्शन में बनानी है, यहाँ पे हमारे को मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में बनानी है, ठीक है, ओके। तो ऐसा एक्सपेरिमेंट पहले देखिए कि भाई पहले उस पेपर मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी और देना पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ रही है, तो नेचर उसका अपोज करेगा, क्योंकि पहले नहीं था इसलिए अभी भी नहीं होना चाहिए। देना पर आप बाद में मैच के यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन आप प्रोड्यूस करवाते हो, कोई एक बैटरी लगा के आपने मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस करवाई माइनस बी, तो सामने से प्लस बी लेके आते हो तो आंसर आएगा जीरो, बट एक क्या कर देगा और मैग्नेटिक और इलेक्ट्रॉन को हाई स्पीड से वो घुमा देगा, हाई स्पीड से वो घुमा देगा और वो माइनस बी और कर देगा, ठीक है। तो रिजल्टिंग आपको क्या मिलने वाला है, माइनस बी मिलने वाला है, ठीक है, ओके। तो वो मैग्नेटिक फील्ड को जीरो नहीं करना चाहती, अगर पहले थी तो वो जीरो नहीं करेगी, अगर जीरो है तो बाद में भी जीरो ही आएगी, ऐसा हमारे नेचर का मीन्स के एक रूल्स होता है, एक बेसिक एक फंडामेंटल ऐसा रूल्स अवेलेबल है, ओके। तो फेराडे नाम का जो साइंटिस्ट था उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, वो कैसे एक्सपेरिमेंट किए देखिए कि भाई उसने क्या किया, एक ऐसी कॉइल कंसीडर की और कॉइल के साथ उसने एक गैलोनोमीटर लगा दिया। भाई गैलोनोमीटर क्या होता है, गैलोनोमीटर इज अ सेंसिटिविटी डिवाइस, ओके, एक सेंसिटिव डिवाइस है, वो क्या सेंस करेगा, करंट को सेंस करेगा, कितना करंट को वो सेंस कर सकती है, माइक्रो एमीटर का करंट को भी वो सेंस कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ के हमने एक गैलोनोमीटर लगा दिया, तेना पर हम क्या करते हैं, तेना पर हम मैग्नेट को लेके आते हैं, ठीक है, मैग्नेट का एक नॉर्थ पोल अवेलेबल है, ओके। तो पहले मैग्नेट को इस डायरेक्शन में हमने रखा तो उसकी वेलोसिटी कितनी थी, जीरो, उसकी वेलोसिटी जीरो है। तेना पर हम गैलोनोमीटर में देखते हैं कि भाई गैलोनोमीटर में कितना करंट बता रही है, तो गैलोनोमीटर का रीडिंग आ रहा है जीरो, तो उसका मीनिंग क्या हुआ, करंट यहाँ पे कितना है, जीरो है। तेना पर हमने क्या किया कि भाई ए मैग्नेट को हमने उसकी तरफ हम लेके गए, ठीक है, किसकी तरफ, एक कॉइल की तरफ, हम मैग्नेट को कॉइल की तरफ हम लेके गए। तेना पर हम देखते हैं कि भाई यहाँ पे करंट का डिफ्लेक्शन हो रहा है,
देन आपने हमने क्या किया, देखिए पहला आपका स्टेप था जब उसकी वेलोसिटी v इज इक्वल टू जीरो थी, देन आपने दूसरा स्टेप है जब उसकी वेलोसिटी v इज इक्वल टू v है, देन आपने बाद में हमने उसकी वेलोसिटी क्या कर दी, जीरो। ओके, बाद में हमने उसकी वेलोसिटी जीरो कर दी, देन आपने हमने उसको गैलोनोमीटर में देखा तो अभी भी उसका मैग्नेटिक मीन्स के गैलोनोमीटर हमको जीरो बता रहा है। कब गैलोनोमीटर रीडिंग बताया, जब वो मोशन में था तो। ओके, तो गैलोनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन बताती है तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि भाई इसमें इस वाली सर्किट में कोई इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हुई। ओके, तो वो जो इलेक्ट्रिक करंट है वो किसके साथ रिलेटेड हो गए, वेलोसिटी के साथ। वो किसके साथ रिलेटेड हो गए, वेलोसिटी के साथ। ओके, तो यहाँ पे करंट आपके के वेलोसिटी के साथ रिलेटेड हो गए। अगर आपका मैग्नेट यहाँ पे रिलेटिव मोशन में है, यहाँ पे रिलेटिव मोशन में है, तब आपका इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा। आप अब दूसरा सोचिए कि भाई मैग्नेट को मैं यहाँ पे रखता हूँ और कॉइल को मैं ऐसे करता हूँ, मोशन करवाता हूँ, ठीक है, कॉइल को मैं उसकी टूवर्ड्स ले जाऊँगा, देन आप अपोजिट डायरेक्शन में ले आऊँगा, और मैं अपोजिट डायरेक्शन में लेके आता हूँ, देन आप मैं देखता हूँ कि भाई गैलोनोमीटर का डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होता है। सपोज के मैं टूवर्ड्स लेके जाता हूँ तब गैलोनोमीटर का डिफ्लेक्शन राइट हैंड डायरेक्शन में बताती है, जब मैं अपोजिट मीन्स के अवे लेके जाऊँगा तब वो लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में बताएगा, ठीक है, उसका डिफ्लेक्शन अपोजिट बताती है, क्योंकि रिलेटिव मोशन में वेलोसिटी क्या आएगी, नेगेटिव, और ये वेलोसिटी क्या होती है, पॉजिटिव होती है, उसके हिसाब से आपका करंट प्रोड्यूस होगा पॉजिटिव और नेगेटिव मीन्स के अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस होने वाला, ठीक है। ओके, बट यहाँ पे आपको क्या फाइंड आउट हुआ, यहाँ पे हमारा एक्सपेरिमेंट से हमको फाइंड आउट हुआ कि भाई आपका जो इलेक्ट्रिक करंट है इट इज रिलेटेड टू वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन टू मैग्नेट एंड कॉइल। देन आपने हमने क्या किया, ओके, देन आपने हमने और भी डीप में हमने सोचा कि भाई ये वेलोसिटी चेंज होने से, ये मैग्नेट को मैग्नेट की वेलोसिटी चेंज होने से कौन सी क्वांटिटी चेंज होती है जिसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो रही है, जिसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो रही है। देखिए कि भाई यहाँ पे हमने मैग्नेट को रखा था तब उसका डिस्टेंस भाई सपोज के 10 सेंटीमीटर था, जब उसकी टूवर्ड्स हम लेके आए तब उसका डिस्टेंस डिक्रीज हो गया, डिक्रीज हो जाता है। तो डिस्टेंस डिक्रीज हो जाने से वो एक मैग्नेट है तो मैग्नेट क्या प्रोड्यूस करेगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस करेगी। तो जैसे जैसे डिस्टेंस आपका डिक्रीज हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी यहाँ पे क्या हो गई, इंक्रीज। तो यहाँ पे कौन सी टर्म चेंज हुई, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई, यहाँ पे क्या चेंज हुआ, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई, ठीक है। तो यहाँ पे पहले जैसे दूर था तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन लिंक हो रही थी 100, देन आप जैसे ही वो नजीक लाए तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन फाइंड आउट हुई 500। ओके, जब 100 से 500 हुआ था तब वो क्या था, मोशन में था, तो मोशन में था तो गैलोनोमीटर ने रिफ्लेक्शन बताया, पहले 100 था तो गैलोनोमीटर रिफ्लेक्शन कितना बताती थी, जीरो, क्योंकि उसके पास वेलोसिटी वी इक्वल टू जीरो थी। देन आप वो जब मोशन में था तब उसकी इंटेंसिटी हो गई 500, इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ पे लिंक हो गई है 500, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ पे 500 लिंक हुई है, तो गैलोनोमीटर डिफ्लेक्शन बताती है। तेरा पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 500 आ गई, तेरा पर मैं वापस उसको स्टॉप कर देता हूँ, उसको मैं मूवमेंट नहीं करवाता हूँ। तेरा पर मैं गैलोनोमीटर में देखता हूँ कि भाई 500 पे अभी भी क्या आ रही है, जीरो रीडिंग बता रही है। तो आपने तो पहले ऐसा किया कि भाई पहले 100 था तब जीरो रीडिंग आई, ओके, तेरा पर का 500 हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज हुई, बट मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज हुई तब उसका डिफ्लेक्शन बताया, पर 500 आपने कॉन्स्टेंट रख दिया, 500 ही अभी पहले टी इज इक्वल टू जीरो टाइम था तब भी 500 था, देन आप टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड है तब भी आपका 500 ही है, मीन्स के 500 अभी आपने कॉन्स्टेंट रखा हुआ है। क्यों कॉन्स्टेंट रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे उसकी वेलोसिटी जीरो है, अगर उसकी वेलोसिटी जीरो है तो गैलोनोमीटर डिफ्लेक्शन कितना बताएगा, जीरो ही बताएगा, चलाया। तो उसका मैकेनिज्म क्या हुआ कि भाई ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू से भी वो डिपेंडेंट नहीं है, बट कौन सी वैल्यू से वो डिपेंडेंट है कि भाई 100 टू 500 होता है तब गैलोनोमीटर डिफ्लेक्शन वो बताती है, तेरा पर 500 टू वापस 100 होता है तब गैलोनोमीटर डिफ्लेक्शन बताती है। तो गैलोनोमीटर ने डिफ्लेक्शन बनाने का रिलेशन किसके साथ बनाती है, चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के साथ बनाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो करंट प्रोड्यूस हो रही है वो करंट किससे रिलेटेड है, चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है, ये उसका कंक्लूजन फाइंड आउट हुआ। ओके, तेरा पर हमने क्या सोचा कि भाई ये मैग्नेट हमने कंसिडर किया तो मैग्नेट के कारण वो हो सकता है ऐसा हमने माना, तो हमने क्या किया, मैग्नेट के बदले हमने कॉइल कंसिडर की, तो कॉइल का एक्सपेरिमेंट किया, कॉइल को रिलेशन मोशन करवाया और हमने ऑब्जर्वेशन किया तो हमको सेम ही हमको रीडिंग फाइंड आउट हुए। देना पर हमने क्या किया, मोशन ही स्टॉप कर दिया। ओके, हमने क्या कंसिडर किया, एक कॉइल कंसिडर की, उसके साथ हमने गैलोनोमीटर लगा दिया और दूसरी कॉइल कंसिडर की, उसके साथ हमने बैटरी लगा दिया।
बट दोनों को आपको मोशन नहीं करवाना है, दोनों को मोशन नहीं करवाना है, तब भी हम देखने वाले हैं कि यहाँ पे गैलोनोमीटर आपका रिफ्लेक्शन बताएगा। ओके, ये तीनों तीन एक्सपेरिमेंट एक फेरारी नाम का साइंटिस्ट ने फाइंड आउट किया और उसने एक लास्ट में ऐसा कंक्लूजन किया कि जब आपकी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है तब इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होता है, तब इसमें से इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा और वो इंड्यूस ईएमएफ एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट करेगा, वो इंड्यूस करंट एक गैलोनोमीटर में जाएगा और गैलोनोमीटर डिफ्लेक्शन बताती है। ठीक है, ओके, तो गैलोनोमीटर को डिफ्लेक्शन बताने के लिए किसकी वैल्यू चेंज होनी चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू चेंज होनी चाहिए और मैग्नेटिक फील्ड लाइन बी एक कॉइल की एरिया पे वो लिंक हो रही है, इट इज नोन एज अ मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, तो कौन सी वैल्यू चेंज हो रही है भाई, लास्ट में ऐसा कंक्लूजन फाइंड आउट हुआ कि भाई मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू जब चेंज होगी तब इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा, तब आपका गैलोनोमीटर डिफ्लेक्शन बताएगा। ठीक है, तो हम पहले तीन एक्सपेरिमेंट के बारे में स्टडी करते हैं, देना पर उसका कंक्लूजन बताते हैं, देना पर हम एक फ्लक्स के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, ओके, आज हम न्यू चैप्टर स्टडी करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इसमें मैंने आपको पहले बताया कि भाई नेचर का बेसिक टू रूल्स होता है कि भाई एवरी थिंग्स और कहाँ पे रहना चाहती है, एक लोअर एनर्जी लेवल पे रहना चाहती है। ठीक है, कोई भी चीज़ वस्तु है एक लोअर एनर्जी पे रहना चाहती है। तेना पर दूसरा थिंग्स मैंने आपको क्या बताया, दूसरी चीज़ ऐसी है कि भाई सभी के पास क्या होता है, एक इनर्शा होता है और वो अपनी इनर्शा में वो रहना चाहता है। ठीक है, हमको वहाँ पे उसको फोर्स लगाना पड़ेगा, अगर उसका इनर्शा को सेंस करना है कि भाई मोशन इनर्शा है उसको आपको रेस्ट में लाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। ओके, और उसका एक्सपेरिमेंट के बारे में मैंने आपको बताया, तो वैसे ही हम एक फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हम देखते हैं, फेराडे एक्सपेरिमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में अभी हम स्टडी करते हैं, तो उसका हम फर्स्ट एक्सपेरिमेंट देखते हैं। फेराडे एक्सपेरिमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसको हम ईएमएफ भी लिख सकते हैं, ईएमएफ। ठीक है, हम उसको एक शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल सकते हैं, ईएमएफ भी हम बोल सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मिस्टर फेराडे ने क्या किया था, एक सर्कुलर रिंग उसने कंसीडर की, ऐसे उसके पास एक सर्कुलर कॉइल अवेलेबल थी, बहुत सारे नंबर ऑफ स्टर्न की। ठीक है, ऐसी उसके पास कॉइल अवेलेबल थी ऐसे। ओके, इस कॉइल के साथ उसने क्या किया, एक गैलोनोमीटर को लगा दिया, ओके, ऐसे उसने गैलोनोमीटर लगा दिया। एक गैलोनोमीटर क्या होती है वो अभी आपको मालूम है, गैलोनोमीटर क्या होती है, एक सेंसिटिव एक डिवाइस, वो करंट को मिस के शो करती है, उसकी डायरेक्शन को भी वो बताती है। तेना पर हम क्या करते हैं कि भाई मैग्नेट को लेके आते हैं, तो हमारे पास ऐसा कोई एक मैग्नेट अवेलेबल है, ओके, तेना पर हम यहाँ पे एक मैग्नेट को लेके आते हैं, यह उसका नॉर्थ पोल, यह उसका साउथ पोल, और अभी आपको मालूम है कि भाई नॉर्थ पोल में से मैग्नेटिक फील्ड लाइन एग्जिट होती है, तो सभी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे एग्जिट होती है। ठीक है, ओके, दिस मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ पे लिंक भी होती है ये वाली कॉइल पे। ओके, बट उसकी वेलोसिटी क्या है, मैंने यहाँ पे इसके उसको एक इनिशियल कंडीशन में ही रखा था, तो वी इज इक्वल टू उसकी वेलोसिटी है जीरो। ओके, तब उसकी वेलोसिटी जब जीरो थी, ये आपका फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, तो जब उसकी वेलोसिटी वी इज इक्वल टू जीरो थी, तब मैंने गैलोनोमीटर में देखा, तो गैलोनोमीटर का करंट कितना देखा रहा था, आई इज इक्वल टू जीरो, मीन्स के वहाँ पे कोई डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा था। देन आप दूसरा स्टेप देखिए, दूसरा स्टेप में मैंने क्या किया, ये मीन्स के अपना जो मैग्नेट है वो मैग्नेट को हमने मूव करवाया, किस डायरेक्शन में, ये बड़ी डायरेक्शन में हम टूअर्स कॉइल की टूअर्स लेके गए। ठीक है, तो कॉइल की टूअर्स लेके गए, तब क्या होने वाला है, ऐसे बहुत सारे नंबर ऑफ स्टर्न्स अवेलेबल है कॉइल के पास, और उसको हमने यहाँ पे एक गैलोनोमीटर के साथ कनेक्टेड कर दिया, दिस इज अ गैलोनोमीटर जी। ओके, देन आफ्टर ए मैग्नेट उसकी तरफ हम लेके आए, तो मैग्नेट को इतना डिस्टेंस पे हम लेके आए नॉर्थ पोल में से। ठीक है, तो उसमें से सभी मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ पे क्या होने लगी, लिंक। ओके, ऐसे सभी मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ पे लिंक हुई। ओके,
ये जो मूविंग हो रही थी तब उसके पास v इज इक्वल्स टू v वेलोसिटी अवेलेबल थी मैग्नेट के पास। तो हमने यहाँ पे देखा कि भाई गैलोनोमीटर भी क्या बता रही है, गैलोनोमीटर भी डिफ्लेक्शन बता रही है कितना, कि भाई गैलोनोमीटर डिफ्लेक्शन बता रही है i इज इक्वल्स टू i। तेना पर हमने वापस चेक कर दिया, ये आपका सेकेंड स्टेप है, तेना पर हमने वापस चेक कर दिया। थर्ड स्टेप में हमने वापस उसका वेलोसिटी को हमने वापस उसकी जीरो ही कर दी। ए मैग्नेट को यहाँ से हम लेके आए तो यहाँ तक आ गए, तो यहाँ तक आ गए तो आपका दूसरा स्टेप हो गया। तो दूसरा स्टेप तक यहाँ पे आपका मैग्नेट के पास एक वेलोसिटी वी अवेलेबल थी, तो वेलोसिटी वी जब अवेलेबल थी तब गैलोनोमीटर डिफ्लेक्शन बता रही थी आई इज इक्वल टू जीरो। वो तीसरा स्टेप में आपको क्या करनी है, ये मीन्स के मैग्नेट को आपको यहाँ पे ही रखना है। तो मैग्नेट के पास वापस वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो। ये मूविंग हमने स्टॉप कर दिया, उसका जो मूविंग था वो हमने स्टॉप कर दिया, तो वेलोसिटी उसकी जीरो हो गई। तेना पर हम वापस हम गैलोनोमीटर में देखते हैं तो उसका रीडिंग आती है जीरो, खेलाया तब उसका रीडिंग आती है जीरो। तो यहाँ पे आई जी क्वेश्चन क्या हुआ, जीरो। तेना पर मैं क्या किया, जो आपकी मैग्नेट है वो मैग्नेट को अपोजिट डायरेक्शन में हमने मूवमेंट करवाया, पहले उसके टूअर्स लेके गए, तेना पर उसकी अपोजिट डायरेक्शन में लेके गए। तो हमने देखा कि जब उसकी टूअर्स आ रही थी तब गैलोनोमीटर एक राइट हैंड डायरेक्शन में इंडिकेट कर रही थी, तब उसकी करंट फाइंड आउट हो रही थी आई जी क्वेश्चन आई। तेना पर जब वो लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में इसके जो अवे हो जाती है, तो जब वो अवे हो जाती है तब हमने देखा कि भाई हमारी गैलोनोमीटर राइट इसके लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में वो डिफ्लेक्शन बता रही है, तब उसकी वेलोसिटी हमने क्या मान ली कि भाई नेगेटिव, क्योंकि उसकी तरफ आ रही थी तब उसके रिलेटिव मोशन हमने मानी थी पॉजिटिव, पर उसकी अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो उसकी वेलोसिटी हमने मान ली नेगेटिव, तब उसकी करंट आ रही है आई इज इक्वल टू माइनस आई, उसकी करंट आ रही है अपोजिट डायरेक्शन में। तेना पर वापस हमने जीरो कर दिया तो वी इज इक्वल टू जीरो और आई इज इक्वल टू हो जाती है जीरो। तो एक्सपेरिमेंट से आपको क्या कंक्लूजन फाइंड आउट हुआ कि भाई ये हमारे हमने कोयल का नाम भी दे दिया, आपके एनसीईआरटी में कोयल का नाम दे रखा है सीवा, ठीक है। तो हमने क्या बताया, हमारे एक्सपेरिमेंट से रिजल्ट क्या फाइंड आउट हुआ, जब हम मैग्नेट को कोयल की टूअर्स लेके आते तब हमको मैग्नेटिक इसके जो गैलोनोमीटर है वो डिफ्लेक्शन बताती है। देन आफ्टर वेन एवर द मैग्नेट की स्पीड हम जीरो कर देंगे, मैग्नेट की वेलोसिटी हम जीरो कर देंगे, तब हमारा गैलोनोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं बताएगा। तेना पर उसकी अवे लेके जाते हैं तब गैलोनोमीटर अपोजिट डायरेक्शन में रिफ्लेक्शन बताती है, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं कि आप मैग्नेट को ही मूवमेंट करवाओ। और सेकंड भी आपने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया कि भाई आपने मैग्नेट को यहाँ पे रखा और कोयल को आप ऐसे ऐसे लेके गए, कोयल को उसकी टूअर्स लेके गए, तेना पर कोयल को अपनी अपोजिट तरफ लेके गए, तब उसका हमने रीडिंग नोट डाउन किया, तब उसका भी रीडिंग सेम जैसा ही हमको फाइंड आउट हुआ। तो यहाँ पे डायरेक्टली आपको क्या नजर आती है कि भाई जब आपकी वेलोसिटी है, जब आपका मैग्नेट की वेलोसिटी है, तब उसकी करंट फाइंड आउट हो सकती है। तो यहाँ पे करंट एक किसके साथ रिलेटेड है, वेलोसिटी के साथ रिलेटेड है, बट वेलोसिटी किसके साथ रिलेटेड है ये भी हमको डीप में देखना पड़ेगा। ओके, देखिए भाई यहाँ से मैग्नेट दूर था, यहाँ पे जब मैग्नेट दूर था तब हमने दूसरी हमने टर्म्स फाइंड आउट की कि भाई जब वेलोसिटी इसके उसकी इंक्रीज होती है, जब उसकी टूअर्स आती है, तब मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए कि भाई यहाँ पे ओनली पर कितनी लाइन लिंक हो रही है, 1, 2, 3 लिंक हो रही है। जेना पर हमने यहाँ पे देखा तो 1, 2, 3, 4, 5 लिंक हो रही है, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि भाई फर्स्ट वाला स्टेप में मैग्नेटिक फील्ड लाइन की इंटेंसिटी कम है और सेकेंड वाला स्टेप में ज़्यादा है। जेना पर ओके, तो इसके कारण यहाँ पे आपकी करंट नज़र आ रही है, ऐसा हमने मान लिया। बट देना पर हमने देखा कि भाई उसकी वेलोसिटी हमने बाद में वापस जीरो कर दी, तो अभी भी उसके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन कितनी लिंक हुई है, 5 लिंक हुई हो रही है। तो पहले जो 5 थी तब उसका करंट आया था, जब बाद में 5 था तब उसका करंट वापस क्या हो गया, जीरो। तो उसकी इंटेंसिटी इसके जो करंट यहाँ पे फाइंड आउट हो रही है, जो गैलोनोमीटर डिफ्लेक्शन बता रही है, वो एक मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी पे भी वो डिपेंडेंट नहीं है। तो किसकी वैल्यू पे डिपेंडेंट है, उसकी चेंज की वैल्यू पे डिपेंडेंट है। देखिए आपका मैग्नेट यहाँ से ऐसे था तब उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन लिंक हो रही थी 3, देना पर 3 to 5 होने के लिए जितना टाइम लगेगा, 3 to 5 होने में जितना टाइम लगेगा वो टाइम पे आपका गैलोनोमीटर डिफ्लेक्शन बताएगा। देन आप वापस उसको कहाँ पे लेके जाओगे, अवे लेके जाओगे, तब वो वापस उसका 5 to 3 होगा। तो यहाँ पे चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन अवेलेबल है, क्या अवेलेबल है, चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जब आपका मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तब आपका गैलोनोमीटर डिफ्लेक्शन बताएगा, ऐसा यहाँ से एक एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन फाइंड आउट हुआ। ओके, तो आपका फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या लिखना है कि भाई फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में आपको यही बतानी है कि जब आपकी C1 कोयल की टू और हम मैग्नेट को लेके आएंगे तब गैलोनोमीटर डिफ्लेक्शन बताएगा, जब उसको अवे लेके जाएंगे तो वो अपोजिट डायरेक्शन में बताएगा, जब हम उसको स्टॉप कर देंगे तब वो गैलोनोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं बताती है, ठीक है। ओके, तो फेराडे ने एक फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया। ओके, तो फेराडे ने दूसरा एक्सपेरिमेंट कौन सा किया कि भाई उसने यहाँ पे मैग्नेट को नहीं रखा, उसने एक मिसके कोयल को रख दिया। ओके, तो एक दूसरा एक्सपेरिमेंट हम देखते हैं, उसने उसमें 2 कोयल रखी,
एक कॉइल को बैटरी के साथ कनेक्टेड कर दिया और एक कॉइल को गैल्वेनोमीटर के साथ, एक गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्टेड हुआ है, और दूसरा दूसरी को हमने एक बैटरी के साथ कनेक्टेड कर दिया, ठीक है, ओके, दिस इज अ बैटरी, ओके। तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल में से यहाँ से करंट का फ्लो होगा और इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस होगी और सभी मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ पे लिंक होने वाली है, यहाँ पे सभी मैग्नेटिक फील्ड लाइन लिंक होगी, ओके। एक कॉइल को मैंने नाम दे दिया सी वन और सी टू, ओके। तो सी टू के बदले हमने पहले क्या रखा था, मैग्नेट, और मैग्नेट के बदले हमने यहाँ पे सी टू कॉइल रख दिया और उसको हमने बैटरी के साथ कनेक्टेड कर दिया। जब यहाँ से हम स्विच को स्टार्ट कर दे तब यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा और वह क्या जनरेट कर देगी, मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन सभी लाइन कहाँ पे लिंक हो रही है, सी वन कॉइल पे। तेना पर हम क्या करते हैं, रिलेटिव मोशन बिटवीन द सी टू एंड सी वन, कहो हम सी टू को उसकी तरफ लेके आए, कहो हम सी वन को उसकी तरफ लेके जाएंगे, तो अब आपका गैल्वेनोमीटर क्या बताएगा, डिफ्लेक्शन बताएगा। बट जब उसकी दोनों की वेलोसिटी हम जीरो कर देंगे, दोनों को हम रेस्ट में लाएंगे, तब वो गैल्वेनोमीटर क्या बताती है, जीरो रीडिंग बताती है। यहाँ पे भी क्या कंक्लूजन फाइंड आउट हुआ, जब हम उसकी कॉइल को टूवर्स लेके आते हैं तब उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होती है, जब उसको हम अवे लेके जाते हैं तब उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होती है वापस। पहले हम टूवर्स लेके आते हैं तब उसकी मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, जब हम उसको अवे लेके जाते हैं तब उसकी मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी डिक्रीज होती है। जब भी आपकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू की मैग्नेटिक फील्ड आपकी चेंज होगी तब आपका गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन बताएगा, ऐसा कंक्लूजन इस सेकेंड एक्सपेरिमेंट भी फाइंड आउट हुआ। उसके कारण यहाँ पे वेलोसिटी इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके, यहाँ पे भी। और दूसरा आपको क्या समझना है कि भाई इन दोनों आप केस स्टडी कीजिए कि भाई इसमें हम मैग्नेट को मूवमेंट करवा रहे थे और इसमें हम कॉइल को मूवमेंट करवा रहे थे, तो हमारा इसका कंक्लूजन क्या फाइंड आउट होता है कि भाई उसकी मोशन पे वो डिपेंडेंट है। बट उसने थर्ड एक्सपेरिमेंट ऐसा फाइंड आउट किया कि इसमें उसने कोई मोशन ही नहीं करवाया, तब भी इसमें से गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन बताती है। और कैसे डिफ्लेक्शन बताती है वो आपको स्टडी करना है। देखिए उसका थर्ड एक्सपेरिमेंट के बारे में, देखिए उसने क्या किया, दो कॉइल कंसिडर की, ऐसे बहुत सारे नंबर ऑफ स्ट्रंस की, ओके। तो एक कॉइल के साथ उसने बैटरी को कनेक्टेड किया था और यहाँ पे उसने एक स्विच लगा दी, यहाँ पे उसकी रिलेटिव मोशन होगी, ऐसे रिलेटिव मोशन, और उसकी भी ऐसे रिलेटिव मोशन होती है, बट यहाँ पे रिलेटिव मोशन नहीं करना है, ठीक है। थर्ड एक्सपेरिमेंट आपको कोई दूसरे स्टेट में वो बताएगा, ठीक है। पहले एक्सपेरिमेंट में क्या देखा कि भाई रिलेटिव जब आपका मैग्नेट का मोशन होगा तब भी गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन बताएगी। सेकंड केस में भी क्या हुआ, जब आपके सी टू कॉइल टूवर्ड से अवे होगी तब वो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन बताएगी। पर थर्ड वाली केस में आपको दोनों को मोशन भी नहीं रखना है, दोनों को स्ट्रेच कंडीशन में ही रखना है, तब भी आपका गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन बताएगा। कैसे, ये दूसरी कॉइल मैंने कंसिडर की, और उसको मैंने गैल्वेनोमीटर के साथ मैंने कनेक्टेड कर दिया, ठीक है, ओके। देखिए कि भाई जब मैं यहाँ पे स्विच में स्टार्ट करता हूँ, जब मैं यहाँ से एक स्विच को मैं प्रेस करता हूँ तब यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा, कैसे, एक पॉजिटिव टू नेगेटिव के डायरेक्शन में ऐसे इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा, तो वो क्या जनरेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, और सभी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ पे लिंक होती है, ए वाली कॉइल पे लिंक होगी, ठीक है, और सभी मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ पे लिंक हो रही है, ओके, ऐसे भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ पे लिंक हो रही है। तो देखिए ये आपका करंट है ना, तो करंट इसके यहाँ पे स्टार्टिंग में करंट कितना था, आई इज इक्वल टू जीरो था, स्टार्टिंग में करंट कितना था, आई इज इक्वल टू जीरो। तब आपकी स्विच ओपन थी तब यहाँ पे मैंने गैल्वेनोमीटर का रीडिंग देखा, तो यहाँ पे भी आपका करंट कितना बता रही है, जीरो। तेना पर मैंने क्या किया, एक जो आपकी जो की है उसको मैंने क्लोज कर दिया, इसके प्रेस की, जब मैं प्रेस की करता हूँ तब एक स्टार्टिंग में एक इंस्टेंस में उसका करंट कितना था, जीरो। तो जीरो से उसका करंट कितना हो गया, देखिए मैं आपको क्या बताता हूँ कि भाई जैसे ही आप प्रेस की कीजिए तो आपका करंट पहले जीरो था, तो जीरो से आई होने के लिए थोड़ी देर लगेगी, एक नैनो सेकंड भी टाइम तो लगती है, ठीक है। तो कैसे वो इंक्रीज होगा, जीरो है तो 0.1 आई होगा, तो यहाँ पर 0.2, 0.3, 0.5, 0.9 एंड आई हो जाएगा, ठीक है। तो जितना उसका टाइम लगा, मीन्स के करंट को इंक्रीज होने का टाइम लगेगा, नैनो सेकंड ही लगेगा बट टाइम लगेगा, ठीक है, ओके। वो जब टाइम लगती है
तब क्या होगा कि तब इसमें से जो इलेक्ट्रिक करंट जा रही है वो इलेक्ट्रिक करंट वेरिएबल हो गई, चलाया, क्योंकि पहले मिस्टेक 1 नैनो सेकेंड में उसकी इलेक्ट्रिक करंट थी 0.1 एम्पियर, देन आफ्टर 0.5 एम्पियर, देन आफ्टर 0.9 एम्पियर, देन आफ्टर आई एम्पियर, देन आफ्टर वो आई हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे उसकी करंट की वैल्यू चेंज होती है, जैसे ही करंट की वैल्यू चेंज होती है तो इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बी की भी वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। इसमें से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो भी क्या होगी, चेंज, बिकॉज एक वन टाइप का सोलेनोइड है ना, और सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन हमको मालूम है, बी इक्वल टू मी नॉट एन आई होती है। हमने करंट की वैल्यू को चेंज की तो वैसे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी चेंज होगी। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट हो रही है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ पे लिंक हो रही है, तो यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या हुई, चेंज। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज हुई तो गैलोनोमीटर ने क्या बता दिया, डिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे गैलोनोमीटर डिफ्लेक्शन बताती है आई इज इक्वल टू आई, ओके। तेना पर हमने क्या किया कि भाई एक 1 नैनो सेकंड होने के बाद उसका करंट कितना हो गया, आई, तो आई इज इक्वल टू आई करंट हो गया। तेना पर हमने यहाँ पे गैलोनोमीटर को देखा तो उसका करंट कितना मिल रहा है हमको, 0 मिल रहा है, ओके। हमने प्रेस को पहले हमारे की को किया था क्लोज, थेना पर हम क्या करते हैं ओपन, तो ओपन हम की कर देंगे तब ये सर्किट में कितना करंट था, आई, तो आई से जीरो होने के लिए थोड़ी देर लगेगी, आई से जीरो होने के लिए थोड़ी देर लगेगी, ओके। तो आपका करंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे हमने देखा कि भाई गैलोनोमीटर अपोजिट डायरेक्शन में रिफ्लेक्शन बताती है, कौन सी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में रिफ्लेक्शन बताएगी, ठीक है, ओके। तो आपका यहाँ पे करंट पॉजिटिव था, आपका करंट यहाँ पे पॉजिटिव है तो मैंने यहाँ पे इसके नेगेटिव साइन लगा दिया, और जब आपका करंट में इसके डिक्रीज हो रहा है तो मैंने यहाँ पे पॉजिटिव साइन लगा दिया, चलाइए आपको, ओके। तो यहाँ पे गैलोनोमीटर क्या बताती है, ओनली फॉर एक बार डिफ्लेक्शन बता के वो वापिस जीरो पे आ जाएगी। जैसे आपने प्रेस की आपने जैसे ही आपको यहाँ पे की को क्लोज किया तो आपने देखा कि भाई गैलोनोमीटर मिसके एक बार फुल डिफ्लेक्शन बता के वापस आ जाएगा, जीरो पर आ जाएगा, ठीक है, ओके। तो उसकी डायरेक्शन पहले राइट हैंड डायरेक्शन पे थी, देन आफ्टर आप देखिए कि भाई जैसे ही आपने प्रेस की को आपने ओपन कर दिया तो वो अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन बताएगा, लेफ्ट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन बताएगा, ठीक है, क्योंकि उसकी करंट की वैल्यू क्या हो रही है, अभी चेंज हो रही है। जैसे करंट की वैल्यू चेंज होगी तो इसमें से जनरेट होने वाली मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी क्या होती है, चेंज होती है, ओके। ये तीनों तीन एक्सपेरिमेंट से देखो, यहाँ पे तो हमने कोई वेलोसिटी भी नहीं उसको हमने ट्रैवल भी नहीं करवाया, तब भी यहाँ पे क्या हो रही है, गैलोनोमीटर डिफ्लेक्शन बताती है। तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, उसके कारण गैलोनोमीटर डिफ्लेक्शन बताती है। तो तीनों तीन एक्सपेरिमेंट फेराडे ने बताए और लास्ट में उसके कंक्लूजन क्या फाइनल करके बताए। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ने क्या, उसने कहा कि भाई उसकी रिलेटिव मोशन होनी चाहिए। तेना पर सेकेंड मोशन में उसने क्या किया कि भाई ऐसा जरूरी नहीं कि मैग्नेट हो, आप कोई भी लेकर आ सकते हो, ठीक है, बट उसकी रिलेटिव मोशन होनी चाहिए। तेना पर थर्ड एक्सपेरिमेंट ने उसने क्या किया कि भाई रिलेटिव मोशन जीरो होने से भी गैलोनोमीटर डिफ्लेक्शन बताती है। उसमें क्या है, आपकी करंट की वैल्यू चेंज हो रही है, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड की बी की वैल्यू चेंज हो रही है, और मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू चेंज होगी तब उसकी रिफ्लेक्शन गैलोनोमीटर बताती है, ओके। और लास्ट में उसने का कंक्लूजन भी मिस्टर दे दिया, उसने कौन सा कंक्लूजन दिया कि देखिए यहाँ पे सभी सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेकंड कॉइल पे लिंक हो रही है, तो उस पे वो क्या जनरेट करेगी, मैग्नेटिक फ्लक्स वो जनरेट करेगी, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स की भी वैल्यू वो क्या करती है, चेंज। जब मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज होती है तब इसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होती है, ऐसा फेराडे ने लास्ट में कंक्लूजन भी दिया, ओके। तो सभी एक्सपेरिमेंट के बाद वन बाय वन उसका आपको एक कंक्लूजन भी लिखना है, ओके। वो कंक्लूजन में यहाँ पे मैं बोल देता हूँ, मैं लिखता नहीं हूँ, ठीक है, ओके। तो देखिए उसका थ्री एक्सपेरिमेंट से आपको कंक्लूजन निकाल लिए, ओके। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था, तो मोशन ऑफ द मैग्नेट टूवर्ड्स दी अवे फ्रॉम द कॉइल सी वन, ये आपकी कॉइल सी वन थी और आपके पास एक मैग्नेट था, तो आपका मैग्नेट मिसके टूवर्ड्स ले आए और अवे ले चले जाते हो, उसके टूवर्ड्स और अवे, ओके। तो इन द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट एंड मूविंग अ करंट कैरिंग कॉइल सी टू टूवर्ड्स फॉर अवे फ्रॉम द कॉइल सी वन, और दूसरी एक्सपेरिमेंट में आपने क्या किया था, सी टू को आप टूवर्ड्स फॉर अवे लेके जाते हो, ठीक है। तो सेकंड एक्सपेरिमेंट इज चेंज द मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएट विद द कॉइल सी वन, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स। तो चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस ईएमएफ इन द कॉइल सी वन, ओके। तो इसके कारण यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा सी वन कॉइल पे, ठीक है, ओके। तो ए वाली एक्सपेरिमेंट आप देखिए, इन एक्सप्लेनेशन द ऑब्जर्वेशन ऑफ द थर्ड एक्सपेरिमेंट, तो व्हेन द टैपिंग द की के इज अ प्रेस द करंट इन द कॉइल सी टू इज द रिजल्टिंग मैग्नेटिक फील्ड इज अ राइज फ्रॉम द जीरो टू मैक्सिमम वैल्यू, तब ए वाली कॉइल पे आपका करंट जीरो टू मैक्सिमम आ जाएगी, ओके। विद द कॉन्सिक्वेंटली द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द नेबरिंग कॉइल सी वन इज ऑल्सो इंक्रीज, तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ पे लिंक होगी, इट इज नोन एज द मैग्नेटिक फ्लक्स, तो मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे मैक्सिमम हो गए। इट इज द चेंज द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल सी वन इज द प्रोड्यूस द इंड्यूस ईएमएफ, तो वो क्या जनरेट करेगी, इंड्यूस ईएमएफ जनरेट करेगी। व्हेन द की इज अ कंटीन्यूअसली प्रेस द करंट इज द कॉइल इज
C2 is become a constant. Then after continuous आप प्रेस करते हो तब वो एक बार उसका जीरो से आई जितना करंट हो गया देन आफ्टर उसका करंट क्या होगा कॉन्स्टेंट रहेगा. अगर उसका करंट कॉन्स्टेंट रहता है मैग्नेटिक फील्ड भी क्या रहती है कॉन्स्टेंट और उसकी मैग्नेटिक फील्ड के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या रहता है कॉन्स्टेंट. तो मैग्नेटिक फ्लक्स कॉन्स्टेंट हो रहा उसका चेंज नहीं हो रहा है तो उसके करंट भी क्या आएगी जीरो. मीन्स के गैलोनोमीटर इंड्यूस ईएमएफ जनरेट नहीं करेगा. ठीक है ये वाली कॉइल में कोई इंड्यूस ईएमएफ जनरेट नहीं हो सकता. देयरफॉर देयर इज नो चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल सी1 एंड द करंट इन द सी1 इज ड्रॉप्स टू जीरो. When the key is released, और then after आप key को आप release कर लेते हो तो current C2 is a resulting magnetic flux is field is a decrease from the maximum value to zero. These three are to decrease the magnetic flux with the C1, hence is against the induced electric current in the coil C1. The common point in all the three observations that the time is a rate change magnetic flux through the circuit induced EMF. तो उसका common result आपको क्या मिला? Whenever the magnetic flux is a change, it is a produce induced EMF. ऐसा आपको मिसके फाइन आउट हुआ. ओके बट मैंने यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स तो बोल दिया क्योंकि आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में आपने स्टडी किया हुआ है. ओके बट आपको मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में भी अभी आपको देखना पड़ेगा. आपने जो फेराडे का तीन एक्सपेरिमेंट थे तो तीन एक्सपेरिमेंट का आपने कंक्लूजन निकाला और देन आफ्टर आपको फाइंड आउट हुआ कि भाई लास्ट में जब आपका मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है तब भी आपके एक इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होती है. ठीक है ओके देन आफ्टर आपको दूसरा क्या देखना है कि भाई मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में देखना है. कैसे मैग्नेटिक फ्लक्स देखिए कि भाई यहाँ पे जो कॉइल अवेलेबल थी तो कॉइल का कोई यूनिफॉर्म क्रॉसेक्शनल एरिया होता है. ठीक है कि भाई एक कॉइल का एक एरिया है पाई आर स्क्वायर. ओके देन आफ्टर मैं क्या करता हूँ ये मैग्नेट को मैंने इतना डिस्टेंस पे रखा तो मैंने जो आपको क्या बताया था उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ पे 100 लिंक हो रही है. ओके देन आफ्टर मैं उसकी टूअर्स लेके जाता हूँ मैंने इतना डिस्टेंस रखा तो मैंने आपको क्या बताया था 500 उसकी लेंथ हो गई है. तो यहाँ पे नंबर ऑफ इंटेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड की क्या हो गई ज़्यादा. जैसे ही आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में अपने स्टडी किया हुआ था कि भाई एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे यहाँ पे जा रही है और रास्ते में आपने क्या कर दिया ऐसे आपने एक प्लान रख दिया और आपको क्या करना है ओनली फॉर काउंट करना है. किसको काउंट करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को. ठीक है तो आपने ऐसा प्लान रख दिया और आपको काउंट करना है कि भाई 1 2 3 4 5 6 ऐसा आपने काउंट किया और आपने काउंट करके आपने बताया कि भाई 100 यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अवेलेबल है तो आपका फ्लक्स क्या फाइंड आउट हो गया 100. ठीक है तो आपको ओनली फॉर क्या करना है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को काउंट करना है. तो उसकी डेफिनेशन क्या आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज अ लिंक टू द पर यूनिट एरिया. इट इज़ अ नॉन एज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स. तो मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या होगा कि भाई मैग्नेटिक फ्लक्स ऐसी है ना कि भाई यहाँ से मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन वो एग्जिट करती है और सभी मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ पे लिंक हो रही है. तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि भाई ए मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज अ पासिंग थ्रू द एरिया क्रॉसेक्शनल एरिया. दिस मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज अ लिंक टू द क्रॉसेक्शनल एरिया ऐसे भी बोल सकते हैं या तो पासिंग थ्रू द क्रॉसेक्शनल एरिया भी हम बोल सकते हैं. इट इज अ नोन एज अ मैग्नेटिक फ्लक्स. ओके इसको हम क्या बोलेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स. हम जैसे जैसे एक मैग्नेट को उसकी तरफ हम ले आते हैं तो हम किसकी वैल्यू चेंज करते हैं भाई हम मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू चेंज करते हैं. जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू चेंज करेंगे तब उसका कौन सी वैल्यू चेंज होने वाली है मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज होने वाली है. और हमारा रिजल्ट हमको क्या फाइनल हुआ कि भाई जब भी आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तब इसमें एक इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होती है और इंड्यूस ईएमएफ एक इंड्यूस करंट को बना देती है. ठीक है ओके तो मैग्नेटिक फ्लक्स की क्वांटिटी के बारे में आपको स्टडी करना है कि भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स का इक्वेशन क्या था फाई इज इक्वल टू ई है. तो मैग्नेटिक फ्लक्स का इक्वेशन क्या आएगा फाई इज इक्वल टू बी आएगा. ठीक है देन आफ्टर हमने प्लेन को ऐसे एग्जैक्ट परपेंडिकुलर में रखा था वो प्लेन के एक एरिया वेक्टर होते ऐसे एरिया वेक्टर हैं और सभी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में जा रही है तो उसकी बीच का एंगल आया ए इज इक्वल टू मीन के उसकी बीच का एंगल आया थीटा इज इक्वल टू जीरो. देन आफ्टर प्लेन को हमने ऐसा रख दिया ऐसा तो उसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में आ गया उसका एरिया वेक्टर ए वाली डायरेक्शन में आ गया. ठीक है दिस इज द एरिया वेक्टर बट मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी इन दिस डायरेक्शन तो उसके बीच का एंगल यहाँ पे बन रहा है थीटा एंगल. तो यहाँ पे आपका जो फ्लक्स होगा वो फ्लक्स डिक्रीज होने वाला है. ठीक है कितना डिक्रीज होगा वो इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी फाइ इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा. ओके जो हमने जो प्लेन रखा तो प्लेन का जो एरिया था वो एरिया कैसा था एक यूनिफॉर्म क्रॉसेक्शनल एरिया था. तेरा प्लेन को दूसरा क्या स्टडी करना है एक नॉन यूनिफॉर्म क्रॉसेक्शनल एरिया और नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. ओके तो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हम कंसीडर करेंगे तब हम स्मॉल स्मॉल एलिमेंट का हम फाइंड आउट करेंगे और लास्ट में हम क्या कर देंगे इंटीग्रेशन. तो उसका इक्वेशन क्या आएगा फ्लक्स पाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन बी ए कॉस थीटा. ओके देन आफ्टर हमारे पास एक क्लोज सरफेस अवेलेबल है
एक प्लेन भी अवेलेबल नहीं है, एक नॉन यूनिफॉर्म प्लेन भी अवेलेबल नहीं है, बट हमारे पास क्या है, एक क्लोज सरफेस अवेलेबल है। ओके, तो क्लोज सरफेस का हमने फ्लक्स फॉर्म को फाइंड आउट करना, तो हमको क्या करना पड़ेगा, क्लोज इंटीग्रेशन बी इंटू ए कोस टर्म को निकालनी पड़ेगी। ठीक है, अगर नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है, यहाँ पे एक कॉइल मीन्स के यहाँ पे जो कॉइल थी वो कॉइल एक नंबर ऑफ टर्न्स की ही थी, ऐसा सपोज के यहाँ पे एन नंबर ऑफ टर्न्स है तो फ्लक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एन बी आ जाएगी। ठीक है, वो भी हमको देखना है। ओके ओके, मैग्नेटिक फ्लक्स, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होती है कि भाई मैग्नेटिक फ्लक्स इज अ लिंक विद द एरिया, मैग्नेटिक फील्ड इज अ लिंक टू द एरिया। उसकी बेसिक में डेफिनेशन में आपको बता देता हूँ कि भाई मैग्नेटिक फील्ड, हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में देखा, ये फाइव इज इक्वल टू ये क्वेश्चन हमारी इक्वेशन आती है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड इज अ लिंक टू दी लिंक टू द एरिया, इट इज अ नॉन एज अ मैग्नेटिक फ्लक्स, उसको हम क्या बोल सकते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स हम बोल सकते हैं। तो सो दैट फाइव बी इज इक्वल टू क्या आती है, बी इंटू ए। ठीक है ओके, और उसका यूनिट भी क्या होती है, वेबर उसकी यूनिट होती है, ओ बी हमको मालूम ही है, उसकी यूनिट आती है वेबर। ओके, तो ए हो गई आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, तो एक दूसरा भी मैं आपको बताता हूँ, देखिए कि सपोज के यहाँ पे कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन अवेलेबल है, यहाँ पे कोई एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन एसी यहाँ पे अवेलेबल है, और इसमें आपने एक कोई एक प्लेन रख दिया, ऐसे आपने एक प्लेन रख दिया। ओके, तो प्लेन के पास क्या होती है, एरिया वेक्टर, ए है उसका एरिया वेक्टर और ए है मैग्नेटिक फील्ड बी की डायरेक्शन, तो दोनों की डायरेक्शन क्या आ रही है, सेम। तो यहाँ पे क्या फाइंड आउट होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स फाइंड आउट होगा। ठीक है ओके, देन आप दूसरा देखिए, दूसरा मैं ऐसे में ड्रॉ करता हूँ, देखिए ए मैग्नेटिक फील्ड लाइन की स्ट्रेंथ में ज़्यादा मैं ड्रॉ कर देता हूँ, और ए वाली स्ट्रेंथ में मैं सेम ही प्लेन में यहाँ पे रखता हूँ, ऐसा मैंने सेम एरिया वाला ही प्लेन मैंने यहाँ पे रखा। ओके, उसका भी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ऐसे होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी ऐसे होगी। ओके, ए वाली एरिया पे मैंने मैग्नेटिक फील्ड को काउंट किया, देखिए ए वाली एरिया में कितनी आई, 1 2 3। ओके, इसमें कितनी आती है, 1 2 3 4 5 आती है। ठीक है, तो किसका फ्लक्स ज़्यादा होगा, फ्लक्स हम किसको काउंट करते हैं कि भाई नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज अ लिंक टू द एरिया। तो यहाँ पे नंबर ऑफ लाइन कितनी फाइन आउट हो रही है, 1 2 3 फाइन आउट हो रही है, यहाँ पे कितनी फाइन आउट हो रही है, 5 फाइन आउट हो रही है। तो इन दोनों की आप कंपेरिजन कीजिए, फर्स्ट और सेकेंड के कंपेरिजन कीजिए, तो उसका फ्लक्स क्या हुआ, इंक्रीज, और उसका फ्लक्स क्या हुआ, डिक्रीज, बिकॉज यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बी की वैल्यू ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू ज़्यादा है इसलिए। ओके, तो यहाँ पर दूसरा इक्वेशन देखिए, यहाँ पे देखिए कि भाई थीटा इज इक्वल टू जीरो आती है, यहाँ पे भी थीटा इज इक्वल टू जीरो आती है, सो दैट कॉस इज इक्वल टू जीरो हो जाती है। पर दूसरा एग्जाम्पल देखिए कि जहाँ पे एरिया मीन्स के एक कॉस थीटा एंगल आ सके। ओके, तो कैसे कॉस थीटा एंगल आएगा, देखिए कि भाई आपका पहले प्लेन था तो आपने ऐसा परपेंडिकुलर आपने रखा था, एग्जैक्ट परपेंडिकुलर। ठीक है ओके, तो उसका एरिया वेक्टर यही डायरेक्शन पे था, तेन आप हमने क्या किया, उसको टर्न करवा दिया, तो उसको टर्न करवा के हमने उसकी फिगर ड्रॉ की, तो उसकी फिगर आ रही थी ऐसी, ऐसा हमने उसका टर्न करवाया, तो टर्न करवाया तो क्या होगा, देखिए उसका एरिया वेक्टर कैसा हो गया ऐसा, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन बी की डायरेक्शन ऐसे आ गई, तो उसकी भी इसका एक एंगल जनरेट हो रहा है थीटा एंगल। ओके, तो थीटा एंगल जनरेट हो रहा है तो उसका मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा या ज़्यादा होगा, देखिए पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइन कितनी पास आउट हो रही थी, 1 2 3 4 5 6, और अभी 1 2 3 पास आउट हो रही है, तो आपका फ्लक्स क्या हुआ, डिक्रीज हुआ ना। ओके, तो फ्लक्स डिक्रीज हुआ, तो यहाँ पे हम फ्लक्स का हम इक्वेशन लिखते हैं, फाइव इक्वल टू बी इंटू ए तो था, बट हम बी इंटू ए नहीं लिख सकते, बी इंटू ए कब लिख सकते हैं, जब ऐसे हो एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो तब हम लिख सकते हैं, बट यहाँ पे एंगल बना रही है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉस थीटा। हमने साइन थीटा क्यों नहीं लिखा, बिकॉज साइन थीटा लिख के हम यहाँ पे लिखते हैं तो देखिए भाई उसका एंगल हम इंक्रीज करेंगे तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज, बट यहाँ पे जैसे जैसे एंगल को इंक्रीज करेंगे ऐसे ऐसे फ्लक्स की क्वांटिटी कैसे आएगी, डिक्रीज आएगी, इसलिए हमको किसका फंक्शन का यूज़ करना है, डिक्रीजन फंक्शन का यूज़ करना है, और कॉस थीटा कैसा फंक्शन है, डिक्रीजन फंक्शन है। ठीक है ओके, और दूसरा भी हम सोच सकते हैं कि भाई फ्लक्स इज ओनली फॉर स्केलर क्वांटिटी। ओके, तो स्केलर क्वांटिटी के लिए डॉट प्रोडक्ट आती है, और डॉट प्रोडक्ट के लिए कॉस थीटा आती है। ठीक है ओके, और देन आप हम फ्लक्स का यूनिट फाइंड आउट कर लेते हैं कि भाई मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या आती है, टेस्ला, और एरिया का यूनिट क्या आती है, मीटर स्क्वेयर, तो फ्लक्स का यूनिट हो गया टेस्ला इंटू मीटर स्क्वेयर, और दूसरा भी कौन सा यूनिट है, वेबर है, दूसरा यूनिट है उसका वेबर है। ठीक है ओके, तो ए वाली इक्वेशन में से मैं बी को भी सब्जेक्ट बना देता हूँ, तो बी इज इक्वल टू क्या आती है, फ्लक्स पर यूनिट एरिया। देखिए आपको बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो बी की वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, आपने यहाँ पे क्या रखा था, एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया रखा था,
तो पर यूनिट एरिया के भाई एरिया की क्वांटिटी आप वन कर दीजिए तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कितनी होगी, फ्लक्स जितनी होगी। तो फ्लक्स आप किसको बोलते हो, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन को बोलते हो। तो आपने यहाँ पे मैग्नेटिक नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपने काउंट की, वही आपका क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया। तो ए वाली मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या बनेगा, देखिए फ्लक्स का यूनिट क्या होता है, वेबर। तो वेबर पर मीटर स्क्वेयर, ये दूसरा उसका मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट बना। पहले उसका मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ का यूनिट क्या था, टेस्ला। तो आप टेस्ला भी लिख सकते हो और वेबर पर मीटर स्क्वेयर भी आप लिख सकते हो, ठीक है। ओके, ऐसे आप मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट आप लिख सकते हो। ओके, देन आफ्टर मैग्नेटिक प्लेन, मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में और स्टडी कीजिए कि भाई ये तीनों तीन प्लेन आपने जो फिगर ड्रॉ की थी एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया था। अब सपोज कि आपको कोई एक नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है, कि सपोज कि आपको कोई ऐसा एरिया दे रखा है नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, ऐसा आपको दे रखा है, और इसमें से आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक नॉन यूनिफॉर्म है, ऐसे ऐसे एक नॉन यूनिफॉर्म है। तो आप क्या कंसिडर करेंगे, आप यहाँ पे एक आपका क्लोज सर्फेस एरिया कोई ऐसा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे कोई एक स्मॉल एरिया कंसिडर कीजिए, उसका एरिया वेक्टर ए वाली डायरेक्शन पे है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ए वाली डायरेक्शन पे है, उसकी भी इसका कोई एंगल बन रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इसका क्या होगा कि भाई डी फाई इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, बी इंटू डी ए लिख सकते हो, ठीक है, ऐसा आप इक्वेशन लिख सकते हो। तो पूरे का पूरा आपको क्या करना है, पूरे का पूरा एरिया लेना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्या आएगा, इंटीग्रेशन बी इंटू डेल्टा ए इंटू कोस थीटा आप लिख सकते हो, ठीक है। ओके, तो ऐसे आपके पास कोई एक क्लोज सरफेस अवेलेबल हो तो क्या होगा, क्लोज सरफेस अवेलेबल हो तो आपको इंटीग्रेशन भी क्या करना है, क्लोज इंटीग्रेशन बी इंटू डेल्टा ए कोस थीटा आपको लिख देना है, ठीक है। एक किसके लिए, ए ओनली फॉर वन सरफेस के लिए, वन सरफेस, और एक किसके लिए, क्लोज सरफेस के लिए, दिस इज द क्लोज सरफेस के लिए, ठीक है। ओके, तो कोर सरफेस में लिए, इसके इन दोनों में कौन सी क्वांटिटी चेंज हो रही है, सभी में मैग्नेटिक फील्ड की क्वांटिटी चेंज हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो फ्लक्स भी चेंज होगा, चल आया। तो ऐसा हमने एक्सपेरिमेंट में देखा, अगर जो फेराडे का तीन एक्सपेरिमेंट थे इसमें हमने क्या स्टडी किए, जैसे हम मैग्नेट को इसकी टूवर्स लेके आते हैं तब मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू इंक्रीज होती है, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू इंक्रीज होगी तो यहाँ पे मैग्नेटिक करंट मीन्स के इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे जनरेट हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पहले नहीं थी, बट ये मैग्नेटिक फील्ड लेके आता है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन उसकी अपोजिट डायरेक्शन में बनाएगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में बनाने के लिए यहाँ पे उसके पास एक फ्री चार्ज है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन को वो ऐसे घुमाएगा कि भाई उसकी अपोजिट डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, वो इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही क्या जनरेट कर देता है, इलेक्ट्रिक करंट, वो इलेक्ट्रिक करंट एक गैल्वेनोमीटर को मेजरमेंट करके आपको देगा, ठीक है। तो सेम फिनोमिना यहाँ पे कि भाई यहाँ से आपकी एक स्विच आपने क्लोज की तो ऐसे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट हुई और यहाँ पे आई, तो पहले उसके पास मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी, उस पेपर मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी, और यहाँ पे बाद में भी वो चाहे बनाना चाहती है, जीरो बनानी चाहती है, तो अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाएगी। तो अपनी कोर में एक फ्री इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल है, उसको ऐसे वो रोटेशन करवाएगा तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट हो जाएगी और वापस उसका आंसर क्या आने वाला है, जीरो। तो अपोजिट डायरेक्शन में रोटेशन करवाने के लिए गैल्वेनोमीटर क्या बताएगा, रिफ्लेक्शन बताएगा, इट इज नॉन एज अ इंड्यूस करंट। ओके, तो फेराडे का स्टेटमेंट हम लिख देते हैं, फेराडे ने क्या स्टेटमेंट दिया कि भाई जब आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तब एक इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होती है, अगर आपकी क्लोज सर्किट हो तो। ओके, तो उसका स्टेटमेंट मैं यहाँ पे लिख देता हूं, वेन एवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक टू द एरिया, लिंक टू अ कॉइल का जो एरिया ऑफ कॉइल एंड EMF इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज इन यूज अक्रॉस इट एंड इफ सर्किट इज कॉल, अगर आपकी सर्किट क्लोज है तो करंट का फ्लो होगा, अ करंट फ्लो थ्रू इट, ठीक है, तो आपका करंट का फ्लो होगा, पर आपकी सर्किट क्या होनी चाहिए, क्लोज होनी चाहिए, ठीक है। सेकेंड फिनोमिना आप स्टडी कीजिए कि भाई मैंने यहाँ पे देखिए ये जो आपने सर्किट बनाई है तो यहाँ पे आपका मैग्नेट आ रहा है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ए वाली डायरेक्शन में आ रही है, ए वाली डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट हो रही है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, अपनी इनसाइड एक इलेक्ट्रॉन को ऐसे घुमाएगा, तो वो इलेक्ट्रॉन को घुमाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए
यहाँ पे क्या कोई मिस के आपने कोई गैलो मिस कोई बैटरी लगाई हुई है, नहीं बैटरी कोई नहीं लगाई हुई है, तो उसकी इफेक्ट से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि इंडक्शन फिनोमिना बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इंडक्शन फिनोमिना। ओके यहाँ पे देखिए भाई, ओके ए वाले केस में देखिए, ए वाले केस में अपने बैटरी लगाई हुई है, तो बैटरी की आप स्विच स्टार्ट कीजिए, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन को आप क्या करते हो, एक फोर्स लगाते हो, कॉन्टैक्ट फोर्स से लगाते हो, तो कॉन्टैक्ट फोर्स वाली फिनोमिना को हम क्या बोलेंगे, इंडक्शन। तो इंडक्शन के कारण यहाँ पे क्या जनरेट हुई, ये देखिए आपने इलेक्ट्रॉन को आपने कॉन्टैक्ट करवाया तो उसको हम बोलते हैं कंडक्शन, सॉरी इंडक्शन नहीं बट कंडक्शन, बट ये कंडक्शन के कारण यहाँ पे क्या जनरेट हो रही है, इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिक करंट ये गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट कर रही है, बट हमने उस पर कोई बैटरी नहीं लगाई हुई है, तो वैसे ही यहाँ पे इंडक्शन फिनोमिना से फाइंड आउट हुई। ठीक है, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ पे लिंक हो रही है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है, एक इमेजनरी लाइन होती है, वो दूर से एक फोर्स लगा के वो चार्ज जनरेट करेगा, इंड्यूस ईएमएफ, और इंड्यूस ईएमएफ चार्ज जनरेट करती है, एक इंड्यूस करंट जनरेट करती है। ठीक है, तो ये जो अपोजिट डायरेक्शन में क्या प्रोड्यूस करेगा, एक इंड्यूस बी प्रोड्यूस करेगा, इंड्यूस बी वो कैसे प्रोड्यूस करती है, इलेक्ट्रॉन को रोटेट करवा देगा वो, क्योंकि उसके एक कंडक्टर का बनाया हुआ है, ये सिंपल कोयल का कंडक्टर की, और कंडक्टर के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन होती है, और फ्री इलेक्ट्रॉन को क्या बोल देगा कि भाई रोटेशन होना स्टार्ट हो जाओ, तो अपनी डायरेक्शन में वो रोटेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन उसके करंट की डायरेक्शन से अपोजिट होती है, और ऐसे वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना देगा, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन का अपोज कर देगा। ठीक है, और ये भी क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का अपोजिट मिस के डायरेक्शन में बना के उसका अपोज करेगा, और ये भी क्या करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में वो बना के उसका अपोज करेगा। तो यहाँ पे क्या फाइन आउट होता है, इंडक्शन फिनोमिना। ठीक है, आपने उसको कोई कांटेक्ट करवा के आपने फोर्स नहीं लगाया, बट कैसे लगाया, एक बिना कांटेक्ट के आपने फोर्स लगाया, दिस फिनोमिना इज नोन एज अ इंडक्शन फिनोमिना। ओके, बट यहाँ पे करंट का फ्लो होती है, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन बताती है, बट आपकी सर्किट कैसी है, क्लोज, यहाँ पे भी आपकी सर्किट कैसी है, क्लोज, और यहाँ पे भी आपकी सर्किट कैसी है, क्लोज, बट मेरा क्वेश्चन ऐसा है कि मैं यहाँ से डिसकनेक्टेड कर दूँ तो क्या होगा, ऐसे मैंने बीच में से ऐसा केबल को मैंने काट दिया, और यहाँ से भी मैंने केबल को काट दिया, और यहाँ से भी मैंने केबल को काट दिया, तो क्या ये आपकी जो कोयल है उसका अपोज करेगा, अगर अपोज करेगा तो इसमें से तो इलेक्ट्रिक करंट तो नहीं पास आउट हो सकता है, तो कैसे वो अपोज कर सकती है, वो फिनोमिना को अभी आपको स्टडी करना है। देखिए मैंने एक मैग्नेट को कंसीडर किया, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल अवेलेबल है, और यहाँ पे मैंने कोयल, बट कोयल मैंने डिसकनेक्टेड की है, ऐसी एक मैंने कॉल रखी है डिसकनेक्टेड। ठीक है, और ऐसा उसका दो टर्मिनल बन गए, ए टर्मिनल और बी पॉइंट, ऐसा मैंने डिसकनेक्टेड किया है। ओके, देखिए ये नॉर्थ पोल है, तो नॉर्थ पोल में से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट होती है ए डायरेक्शन में, दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज अप्लाइंग मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ठीक है, तो वो क्या कैसा बिहेव करती है, वो उसका अपोज करने का बिहेव करती है, क्योंकि उसके पहले यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं थी, एक कोयल पे कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं थी, और नेचर का बेसिक रूल्स क्या होता है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं है तो बाद में भी नहीं आनी चाहिए, बट मैग्नेट को हम जैसे ही हम उसकी टूअर्स लेके आते हैं तो सभी मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ पे लिंक हो रही है, तो ये ऑब्वियसली क्या करेगा, उसका अपोज करेगा, तो उसका अपोज ये कैसे करेगा कि भाई ये सिंपल एक इंडक्टर है, एक कंडक्टर है, और कंडक्टर के पास एक इलेक्ट्रॉन चार्ज होता है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन होती है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन को वो ऐसे रोटेशन करवाएगा तो उसके कारण वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन उसकी अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस कर देगा, तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कौन सी है, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ओके, तो ऐसे आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन ए वाली डायरेक्शन में आपको इंड्यूस करवाना है, तो आपको इलेक्ट्रिक करंट कैसे करना, मिसके आपको रोटेशन करवाना पड़ेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन देखिए, यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट जाएगी और यहाँ से इनसाइड जाएगी, तो इनसाइड जाएगी तो उसकी साइन कैसे आएगी, क्रॉस, और यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट आपकी एग्जिट होती है तो यहाँ पे क्या आएगा, डॉट, तो आपका इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो होता है, ए वाली डायरेक्शन में फ्लो होता है, ख्याल आया आपको, तो आपका इलेक्ट्रिक करंट ये वाली सर्किट में ऐसे फ्लो होगा, तो फ्लो होगा तो वो भी कैसा बिहेव करेगा, नॉर्थ पोल जैसा बिहेव करेगा, और ये नॉर्थ पोल का अपोज करने लगेगा, क्या करने लगेगा, नॉर्थ पोल का अपोज करने लगेगा। ठीक है, ओके, यहाँ से एक नॉर्थ पोल आ रही है, वो भी एक नॉर्थ पोल बना लेगा, तो उसकी जो वेलोसिटी है उसकी वेलोसिटी को भी वो डिक्रीज करेगा, चलाइए आप उसकी वी वेलोसिटी के साथ एक स्पीड से उसके पास लाते हो, बट एक कोयल भी उसका अपोज करने के लिए वो एक नॉर्थ पोल बना देगा, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेट फील्ड लाइन पहले बी नहीं थी तो बाद में भी नहीं होनी चाहिए, बट ये मैग्नेट यहाँ पे बी बनाती है तो वो क्या बना देगा, माइनस बी बना देगा, तो माइनस बी बनाने के लिए उसको भी कैसा बिहेव करना पड़ेगा, अगर नॉर्थ पोल जैसा, तो नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल में क्या होता है, एक रिपल्सिव फोर्स लगती है, तो रिपल्सिव फोर्स के कारण उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है,
चलाया, ये भी फिनोमिना हम आगे स्टडी करेंगे, ठीक है, ओके। तो ये सभी फिनोमिना आपको इंटरेस्टिंग बना के जाएगा। तो पहले तो हमने क्या देखा था कि भाई यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन आएगी तो उसका अपोज करेगा, क्योंकि ऐसा नेचर का रूल्स होता है, ठीक है। वो अपोज करने के लिए भी कैसा बिहेव करेगा, देखिए क्लॉक वाइज डायरेक्शन में, वो एंटी क्लॉक वाइज में इलेक्ट्रिक करंट को मीन्स के रोटेशन करवाएगा, तो कैसा बिहेव करेगा, नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल के बीच में रिपल्शन फोर्स लगा और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होके जाएगी, ठीक है, ओके। तो ये मोशन का क्या करती है, अपोज करती है, ओके। सेकंड आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपका क्वेश्चन ऐसा है कि भाई मैग्नेट का नॉर्थ पोल हम कॉइल की टूवर्ड्स लेके जाएंगे, तो ए हमारा पॉजिटिव टर्मिनल बनेगा कि बी हमारा पॉजिटिव टर्मिनल बनेगा, ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल बनेगा, कौन सा पॉजिटिव और कौन सा नेगेटिव टर्मिनल बनती है, ऐसा आपका क्वेश्चन है। क्योंकि एक ऐसा बिहेव करेगा, एक बैटरी जैसा बिहेव करेगा, एक ऐसा बिहेव करेगी आपकी कॉइल, एक बैटरी जैसी बिहेव करेगी, क्योंकि उसमें एक जो इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है इसमें आपको एक फोर्स लगा दिया, इट फोर्स इज नॉन एज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। वो इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स तो लगाती है, बट उसके पास क्या जनरेट हो गया, पोटेंशियल जनरेट हो गया, इन दोनों टर्मिनल के पास एक पोटेंशियल जनरेट हो गया। जैसे कि हमारे घर के हाउस में एक मिस के दो टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल, इसमें कितना पोटेंशियल होता है, 220 पोटेंशियल, हम इसको क्या बोल सकते हैं, पोटेंशियल बोल सकते हैं, बट पोटेंशियल एनर्जी नहीं बोल सकते, बिकॉज उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। तो उसका डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा, देखिए तेरा पर उसका डिस्प्लेसमेंट करवाने के लिए मैंने यहाँ पे एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दिया, तो अब यहाँ पे क्लोज सर्किट बन गई, तो यहाँ से आपका करंट का फ्लो हो सकता है, ओके। पर आपका क्वेश्चन क्या था कि भाई ए टर्मिनल आपका क्या बनेगा और बी टर्मिनल आपका क्या बनेगा, ओके। देखिए कि भाई करंट का फ्लो कैसा होता है, करंट का फ्लो बी टू ए होता है, और करंट की डायरेक्शन में कौन सा चार्ज आती है, करंट की डायरेक्शन में आपका चार्ज आती है भाई पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ये आपका टर्मिनल हो गया पॉजिटिव टर्मिनल, ओके। तो इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो करती है, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये सभी इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ गए, यहाँ पे आ गए, तो ये टर्मिनल हो गया आपका नेगेटिव टर्मिनल, ओके। देखिए ये बैटरी की इनसाइड हो गई, ये आपकी क्या बन गई, बैटरी बन गई है, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये आपका नेगेटिव टर्मिनल, ये बैटरी की इनसाइड, तो बैटरी की इनसाइड करंट का फ्लो कैसे होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ऐसा हमने थर्ड चैप्टर में स्टडी किया हुआ था ईएमएफ वाले में, ठीक है। बैटरी की इनसाइड मीन्स के सेल की इनसाइड आपका करंट का फ्लो कैसे होती है, नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, और बैटरी के आउटसाइड पॉजिटिव टू नेगेटिव, बैटरी के आउटसाइड ऐसा भी करती है, ठीक है। तो ऐसा मीन्स के हो गया कि आपका ए टर्मिनल बन जाएगा पॉजिटिव और बी टर्मिनल बन जाएगा नेगेटिव टर्मिनल बन जाएगा, चलाया, ओके। तो ए वाली सभी एक्सपेरिमेंट में आपने क्या स्टडी किया कि भाई इंड्यूस ईएमएफ कब जनरेट होती है, जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होती है, जब आप मैग्नेट को उसकी तरफ लाते हो, मैग्नेट को मोशन में रहना चाहिए, क्यों, अगर मैग्नेट मोशन में रहेगा तब उसमें मैग्नेटिक फील्ड की बी की वैल्यू चेंज होगी, और मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू चेंज होगी तो आपकी फ्लक्स की इक्वेशन क्या आती है, बी ए कॉस थीटा, तो बी वैल्यू चेंज हो रही है, सो देयर फ्लक्स फाई इज ऑल्सो चेंज, तो फ्लक्स फाई चेंज होगा तो इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा, और इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हुआ है तो उसके कारण एक इंड्यूस करंट जनरेट होगा, और ये इंड्यूस करंट क्या करती है, डिफ्लेक्शन बता देती है, किसका डिफ्लेक्शन बताती है, गैल्वेनोमीटर का। अगर आप टूवर्स लेके आते हो तो वन डायरेक्शन में बताएगा, और आप अवे लेके जाते हो तो अपोजिट डायरेक्शन में बताएगा, ओके। तो आज हम यहाँ तक का हम स्टडी करते हैं, ठीक है।